हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक किए हुए हैं और आपको पता है वह मोबाइल नंबर जो आपने अपने आधार कार्ड में लिंक किया है और वह चालू स्थिति में है, तो आप OTP के जरिए आधार कार्ड 1 मिनट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डाउनलोड कैसे करेंगे पूरी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे क्या होगा हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ इसको इस तरह से स्किप करते जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद आई कॉन्सेंट पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज दिया रहेगा, नीचे कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, आप इस पर टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको अपना इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ नेक्स्ट पर ओके कर देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालकर ओके करते हैं, यहाँ पर आपको OTP पूछेगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल करके सबमिट पर ओके कर देंगे। यहाँ पर OTP डालने के बाद नीचे सबमिट पर ओके कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर टाइप करते हैं, अगली स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह की नज़र आएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो, लगता हो कि सही है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब अगली स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह की दिखाई देगी। हमें डाउनलोड करना है आधार कार्ड, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड आधार, आपको इस पर टैप कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ रेगुलर आधार दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, इस पर आपको टैप करना है। फिर यहाँ पर आधार नंबर, कुछ इस तरह से आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और ये जो कोड दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड, आपको यहाँ इंटर सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर डाल करके रिक्वेस्ट OTP पर ओके कर देंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है उस पर एक OTP दोबारा जाएगा, उससे यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ कैप्चा फिल कर देंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना OTP डालना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोबारा OTP गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर OTP डालने के बाद वेरीफाई पर टाइप कर देना है, देख सकते हैं ये वेरीफाई ग्रीन हो गया है, इसे वेरीफाई कर देना है। जब तक ये वेरीफाई हो रहा है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओपन दिखाई दे रहा है, ओपन का बटन, ठीक है, आपको इसे ओपन कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर PDF डाउनलोड हो गई है, तो यहाँ पर आपको PDF में ओपन कर लेना है। जैसे आप PDF ओपन करते हैं, यहाँ पर आपसे एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड मांगता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका पासवर्ड क्या होगा, जो आपने आपका नाम है आपके आधार कार्ड में, जैसे आपका नाम है राम सिंह, ठीक है? तो आपको शुरू के 4 अक्षर जो हैं कैपिटल लेटर में डालना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं 4 वर्ड आपको कैपिटल लेटर में डालने के बाद आपका डेट ऑफ ईयर डालना है, ठीक है? जैसे मान लो 1990, 1993, तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद ओपन पर टाइप कर देना है, देख सकते हैं दोस्तों ये गलत हो गया है, तो ध्यान रहे कि आपको शुरू के जो आपका नाम है, आपके नाम का शुरू का 4 डिजिट, ठीक है, 4 अक्षर, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से डाल देंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। देख सकते हैं PDF हमारा ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों,
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।